गोंडा में नाबालिग के साथ गैंगरेप का आरोप दिया शिकायती पत्र। गोंडा में परसपुर थाना क्षेत्र के रहने वाली एक 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने गांव के ही रहने वाले दो नामजद और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए गोंडा पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। परसपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली 12 वर्षीय लड़की की मां ने गोंडा पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है। कल रात में लगभग 8 बजे मेरी बेटी अपनी भाभी के साथ शौच के लिए तालाब के पास गई हुई थी। काफी देर तक जब वापस नहीं आई तो हम अपनी बेटी और अपनी बहू को ढूंढने के लिए तालाब की तरफ गए। वहां पर लड़की के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी और सुनकर हम वहां पर मौके पर पहुंचे तो मेरी लड़की नग्न अवस्था में थी। मेरी लड़की के साथ मेरे गांव के ही रहने वाले दो समन्वा छमन इनके दो अज्ञात व्यक्तियों ने शराब के नशे में नाबालिग लड़की के साथ बारी बारी से रेप किया। इसके बाद जान से मारने की धमकी दी। जब हम लोगों ने पूरी मामले की शिकायत आरोपियों के घर करने गए तो आरोपी के घर के लोगों ने मारपीट करते हुए हम लोगों को भगा दिया। हम लोगों ने परसपुर थाने में पुलिस को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरी लड़की के शरीर पर काफ़ी चोट के निशान भी है। वहीं माँ के साथ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत करने गोंडा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। कहाँ की रहने वाली हो? थाना परसपुर। क्या हुआ है? हमारे साथ अत्याचार हुआ। किसने किया? कुछ हमारे साथ गए थे 8 बजे रात को, गए थे कहीं टट्टी का गए थे, तो वहाँ पर पाछे पाछे आया और हम नहीं हमारे भाव जब हमारे को पकड़ लिया, जब हमारे बुरा गत कर रहा तो हमारे भाभी जब हम चीखने चिल्लाने लगे तो हमारे भाभी ने आया तो मुझे पूरा मतलब गोदी में उठाए तब तो लेके गए घर को। तो रात भर घेर रखे तो सुबह लेके गए तो दो पुलिस खड़े थे थाने में, तो उसने किया कि जाओ बड़े एसपी साहब के पास जाओ। मतलब तो परस को थाने में गई तो क्या कहे? तो कहे कि वो जाओ बड़े एसपी साहब यहाँ पर न सुनवाई हो। अच्छा, फिर तब यहाँ आई हो? तो यहाँ पर आ तो एसपी साहब से कहा कि एसपी साहब ऐसे से बात है, तो एसपी साहब की कहे कि होगी सुनवाई तुम्हारी। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने लोग थे? दो लोग थे। अच्छा, फिर थाने में वहाँ गई थी तो वहाँ पर कुछ दिक्कत हो रही थी, कोई मना भी कर रहा था क्या? हाँ, मना कर रहा था। कौन? वहाँ जो वहाँ पर दो लोग उनके गेट पे खड़े रहते वो। अच्छा, क्या कहे वो लोग? वो कहे कि जाओ बड़े साहब के। बड़ा साहब तो यहाँ पे मिला है ना, आश्वासन मिला है ना साहब से? हाँ, मिला है। अच्छा अच्छा, ठीक। और क्या दिक्कत है? वहाँ पर हम जो वहाँ पर घेर रखे हैं कि अगर वो गए हैं थाने एसपी के साथ के गए हैं तो आएगी लौट के उसके ऊपर हमला करेंगे। अच्छा, मतलब जो यहाँ से जाओगे तो हमला करने के डर है। हाँ, वो लोग बोले मारने के धीरे।